नमस्कार नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम, और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 की आज से शुरुआत हो रही है। 46 दिनों तक होने वाले टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 1:30 बजे होगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वर्ल्ड कप मैच 2019 के फाइनल में खेला गया था, और तब मैच और सुपर ओवर टाई हो जाने के बाद इंग्लैंड ने ज्यादा बाउंड्री मारने के आधार पर खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में कीवी टीम के पास 2019 में मिली उस हार का हिसाब बराबर करने का मौका है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक 95 मैच वनडे खेले गए हैं, और जिनमें दोनों ही टीमों को 44-44 मुकाबलों में जीत मिली है। 3 मैच टाई जबकि 4 मैच बेनतीजा रहे। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मैच खेले गए हैं, दोनों ही टीमों को 5-5 में जीत मिली। 2019 वर्ल्ड कप में दोनों के बीच आखिरी मुकाबला टाई रहा था, मामला सुपर ओवर में पहुंचा, लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि बाउंड्री ज्यादा लगाने की वजह से इंग्लैंड ने वो अपने नाम किया। इस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी जगह विकेटकीपर टॉम लैथम कमान संभालेंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में टिम साउदी भी टीम का हिस्सा नहीं है, फिट नहीं होने के चलते, इसलिए टीम दोनों अनुभवी प्लेयर्स के बिना मैदान पर उतरेगी। तो वहीं दूसरी ओर इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स भी हिप इंजरी के कारण ओपनिंग मिस कर सकते हैं, और ऐसे में आज का ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। और किस तरह से जो दोनों ही टीमें हैं उनके क्या कुछ स्क्वाड है वो आपको बता रहे हैं विश्व कप के योद्धा में। न्यूजीलैंड में ट्रेंट बोल्ट, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो बात करें, मार्क चैपमैन भी इस टीम का हिस्सा हैं, जो आज मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड की इस टीम का हिस्सा डेवोन कॉनवे भी हैं। साथ ही आपको बता दें कि मैट हेनरी भी इस बार टीम का हिस्सा है। तो आज दोनों ही टीमों के बीच दोपहर 2 बजे ये मैच खेला जाना, और ऐसे में इस मैच के लिए आज 1:30 बजे टॉस होगा, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन सी टीम इस बार पहले बैटिंग करेगी और कौन बॉलिंग को चुनती है। और देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं ग्राउंड से। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज आगाज हो रहा है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का, ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप का। और खास बात यह कि भारत मेजबानी कर रहा है पूरे इवेंट की, और कुछ क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह रहता है वो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट को लेकर भारत में किस तरह की दीवानगी है वो सभी जानते हैं, और ये किस तरह से जो स्टेडियम है उसमें खास सजावट आज देखने के लिए मिल रही है। क्रिकेट का विराट युद्ध हम इसे नाम दे रहे हैं, उसका कारण भी है। विराट टीमें हैं एक दूसरे के सामने, तमाम टीमें हैं जिसमें भारत है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है। इस तरह से अगले 40 से 45 दिनों तक भारत में जो खेल का ये बड़ा रोमांचक टूर्नामेंट आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, वो लगातार खेला जाएगा। आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला है, 2 बजे मैच की शुरुआत होगी। भारत अपना पहला मुकाबला 8 तारीख को खेलेगा, लेकिन आज का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जो लास्ट टूर्नामेंट में छूटा था उसके बाद से अब आगे की बात शुरू होगी। न्यूजीलैंड के पास मौका रहेगा अपनी पिछली हार को पूरा करने का इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल, और आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये ओपनिंग मैच खेला जाना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी स्टेडियम से की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। आज दोपहर 2 बजे से यहां पर मैच का आगाज होगा, और उससे पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम में जिस तरह से तैयारियां की गई हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और ऐसे में आज का ये मुकाबला बेहद ही शानदार भी रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट के महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसका इंतजार, जिसके लिए उत्साह लोगों में खासा तौर पर देखने को मिलता है, और ऐसे में खास बात यह भी है कि इस बार भारत अकेले वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है, यानी कि अगले 40 से 45 दिन जो हैं वो काफी शानदार रहने वाले हैं, क्योंकि क्रिकेट जिसको कहीं ना कहीं भारत में सबसे ज्यादा सराहा जाता है, आज अब उसी के महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। दोपहर 2 बजे से आज वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाना है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये ओपनिंग मैच खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले 2 बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों को लेकर। एक तरफ जहां न्यूजीलैंड की बात करें तो कप्तान केन विलियमसन चूंकि फिटनेस की वजह से बाहर हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के भी एक बड़े खिलाड़ी मैदान में नहीं होंगे, जिसकी वजह से दोनों ही खिलाड़ियों की जो गैर मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो वहीं वर्ल्ड कप 2023 का विराट युद्ध आज से शुरू हो रहा है। अगले करीब डेढ़ महीने तक क्रिकेट के योद्धा सबसे बड़ी खिताबी जंग के लिए आमने सामने होंगे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं किस किस खिलाड़ी के नेतृत्व में टीमें मैदान में उतरेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया पैट्रिक जेम्स कमिंस की मेजबानी में इस बार मैदान में उतरेगी। साथ ही अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो हशमतुल्ला शहीदी की मेजबानी में टीम मैदान में उतरेगी। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, बड़ा मुकाबला और बड़ी जिम्मेदारी है बाबर आजम के ऊपर। बात करें बांग्लादेश की टीम को लेकर, शाकिब अल हसन एक बेहद ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, अपनी टीम को काफी आगे तक लेकर गए। न्यूजीलैंड की बात करें केन विलियमसन, लेकिन आज का मुकाबला केन विलियमसन मिस कर रहे हैं, वो नहीं खेलेंगे। तो वह इंग्लैंड की बात की जाए जॉस बटलर उसकी कप्तानी करेंगे। इंग्लैंड टीम जॉस बटलर की कप्तानी में आज मैदान में उतरेगी। इसके अलावा श्रीलंका दसुन शनाका श्रीलंका टीम की कप्तानी करेंगे। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो टेम्बा वाम बुम्बा इसकी कप्तानी करेंगे। साथ ही नीदरलैंड की अगर बात की जाए स्कॉट एंड्रयू एडवर्ड्स इसकी अपनी टीम की इस बार कप्तानी करेंगे। इंडिया से रोहित शर्मा इस बार टीम के कप्तान हैं और ऐसे में उनकी कप्तानी में इस बार टीम मैच खेलेगी। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अमन, चूंकि भारत में क्रिकेट की बात की जाए किस तरह से मनाया जाता है, त्योहार की तरह इसे पूरा सेलिब्रेट किया जाता है, अगले डेढ़ महीना किस तरह का रहने वाला है उसकी झलक हमने बहुत दिनों पहले से ही देखनी शुरू कर दी थी। आज चूंकि टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितनी देर में टॉस होता हुआ दिखाई देगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो पहला मुकाबला ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप का शुरू हो रहा है। जी रितेश, देखिए क्रिकेट के महाकुंभ की यहाँ पर तैयारियां होती हुई तेज नजर आ रही है। जैसे कि 10 टीमें और साथ ही 48 मुकाबले इस बीच खेले जाने हैं, लेकिन आज के मुकाबले की अगर बात की जाए तो आज का मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये जो मुकाबला होने वाला है, जहां पर लास्ट फाइनल काफी विवादित देखा गया था जिसके बाद से बाउंड्री काउंट रूल को हटा दिया गया, लेकिन ये मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है। लेकिन इसी बीच जो इंजरी अपडेट सामने आई है, केन विलियमसन टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वहीं इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर नहीं खेलने वाले, दोनों ही टीमों के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन आज का ये जो मुकाबला है वो बेहद अहम रहने वाला है। लेकिन भारत में जिस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है वर्ल्ड कप को लेकर, स्टेडियम को जिस तरीके से सजाया गया, वहीं भारत में किस कदर क्रिकेट का रोमांच है ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो आज का मुकाबला देखने वाला रहने वाला है। जो आपने बताया जैसा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले पर तो सभी की नजरें रहने ही वाली हैं, लेकिन आज का मुकाबला बहुत अहम होगा। जी रितेश, बिल्कुल अमन। और देखिए जिस तरीके से भारत में तो क्रिकेट को भी एक त्योहार की तरह देखा जाता है और इसका इंतजार भी लंबे समय से था, लेकिन खास बात इस बार ये भी रहने वाली कि इस बार न्यू रूल्स हैं, नए रूल रहने वाले हैं और ऐसे में हर टीम के लिए कहीं ना कहीं ये एक नई चुनौती भी है। तो वही भारत की नजर इस बार 8 तारीख को जो मुकाबला है उस पर तो है ही, लेकिन आज से क्योंकि ओपनिंग मैच खेले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज का मुकाबला भी बेहद शानदार रहने वाला है। जी जागृति, जैसा कि देखा जाए भारत के लिए तो ये वर्ल्ड कप बेहद अहम रहने वाला, क्योंकि एक लंबा इंतजार हो गया जब से भारत ने वर्ल्ड कप की कोई ट्रॉफी नहीं जीती, अपने नाम नहीं किए। लेकिन इसी बीच आज का मुकाबला देखने से एक ये अंदाजा लग जाएगा कि बाकी लोगों की तैयारी किस तरीके की है, भारतीय पिचों पर अन्य टीमों का प्रदर्शन किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि भारत तो बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि भारत में लगातार रोमांस देखा गया वर्ल्ड कप को लेकर। एक लंबा इंतजार था जो अब फाइनली एंड की तरफ आ गया, आज से मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो नए रूल्स आए, इसमें सॉफ्ट सिग्नल रूल को हटा दिया गया, साथ ही बाउंड्री काउंट जो एक रूल था जो विवादित था उसे हटा दिया गया। लेकिन इसी बीच अब देखना जरूरी यही होगा कि आज का ये मुकाबला किस तरीके से खेला जाएगा। वहीं 1:30 बजे टॉस होने का समय बताया गया, 1:30 बजे ये खबर सामने आ जाएगी कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करने वाली है। इसी बीच देखने को कई सारी बातें भारत में किस तरीके से पिच खेलती हुई नजर आती है। जी जागृति, अमन, चूंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कई ऐसे रूल्स थे जो बहुत ज्यादा विवादास्पद थे और खासतौर पर 2019 के विश्व कप में हमने देखा, उनमें कुछ सुधार किया गया है, कुछ को हटा दिया गया है, नए रूल्स आए हैं, नई फॉर्मेट एक तरह से कहा जाए तो देखने के लिए मिल रहा है। आज का मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, चूंकि वो जो लड़ाई 2019 में छूट गई थी दोनों ही टीमों के बीच में उसे आज शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड के दो मुख्य खिलाड़ी जिसमें कप्तान शामिल हैं, दूसरी तरफ इंग्लैंड के एक बेहद ही शानदार बॉलर बेन स्टोक्स जो भी टीम का हिस्सा नहीं है,
फिटनेस के चलते कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोनों ही टीमों पर। इसी बीच रितेश, बात करने के लिए हमारे सहयोगी दीपक मिश्रा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आज के मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं हमारे सहयोगी दीपक। देखिए अमन, वर्ल्ड कप हमेशा से भारतीयों के लिए एक पर्व त्यौहार की रहा है और इस बार भारत में हो रहा है। सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है 2011 के बाद देखें तो वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, और पिछले वर्ल्ड कप के बाद ट्रांसफर की बात करें तो पिछला वर्ल्ड कप फाइनल जो है इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, और किस तरह से पूरे मैच में जो सुपर ओवर हुआ और उसके बाद फिर से एक ओवर दिया गया, तो वो नाटकीय ढंग आज भी कुछ इस तरह का होगा। लेकिन देखेंगे तो दोनों टीमों में काफ़ी बदलाव आ गया है पिछले वर्ल्ड कप के बाद से इस बार। जहां इंग्लैंड की टीम लगातार बहुत अच्छी दिख रही है, मलान है वहां पे, रूट है जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन वहीं न्यूजीलैंड की टीम में जैसा कि विलियमसन नहीं है और जिस तरह की यहां के टीम, यहां की जो स्टेडियम होते हैं, जो पिचेस होते हैं, स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो न्यूजीलैंड के पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं। तो देखना यही होगा कि इंग्लैंड की इतनी अच्छी जो लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है, उसको न्यूजीलैंड किस तरह से डिफेंस करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी बात, ये जो मैच हो रहा है जहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ये हमेशा से बैट्समैन के लिए माना जाता है, बड़े स्कोर बनते हैं यहाँ पे, और तो वही है कि जिसकी बैटिंग लाइनअप अच्छी होगी वहाँ पे तो वो हमेशा से टीम ऊपर रहेगी। अब देखना यह है कि टॉस कौन जीतता है और सबसे पहले ये फैसला क्या करता है, बॉलिंग करने का कि बैटिंग करने का, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है पूरे मैच पे। दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड टीम जो है अभी लगातार बिल्डअप हो रही है, काफ़ी संघर्षों के बाद कुछ नए प्लेयर्स आए हैं, कुछ नए खिलाड़ी आए हैं, स्पेशली बैट्समैन में देखेंगे तो काफ़ी बदलाव दिखे हैं। तो अब देखना यह कि न्यूजीलैंड टीम किस तरह से इंग्लैंड की टीम को डिफेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मैच। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। जैसा कि यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक ने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉस रहने वाला है कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। अहमदाबाद की जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है, लंबा स्कोर देखा जा सकता है, एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, लेकिन अब इसी बीच देखना यह है कि स्पिन के लिए ये पिच कितनी मददगार साबित होने वाली है। जी रितेश, अब बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी दीपक ने जानकारी दी है कि जो मोदी स्टेडियम है गुजरात अहमदाबाद का, उस पर बहुत ज्यादा स्कोर बनता है और यही कारण है कि ये कहीं ना कहीं बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन बॉलरों की चिंताएं उसी तरह से बढ़ जाती हैं। दोनों टीम के अगर स्क्वाड पर नजर डालें अमन, तो किस तरह की टीमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चुनौती कम टीम इंग्लैंड के सामने भी नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम कोई बहुत कमजोर नहीं है, बहुत अच्छी टीम मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है, ऐसे में चुनौती दोनों ही तरफ से है, किसी एक तरफ से नहीं। देखिए रितेश, सबसे ज्यादा यहाँ पर अहमियत रखने वाला है वो है टॉस, साथ ही दोनों टीमें किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह देती हैं, क्योंकि 15 प्लेयर्स की एक स्क्वाड तैयार की गई है, लेकिन टॉस के बाद ज्यादातर ये साफ हो जाएगा कि किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में जैसा कि आपने बताया कि केन विलियमसन जो कि कप्तानी जिन्हें दी गई थी वही चोटिल हैं, वो इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उनके ऊपर न्यूजीलैंड का अधिकतर दारोमदार रहता है। लेकिन अगर बात इंग्लैंड की करें तो इंग्लैंड के पास स्टार्टिंग से लेकर डेप्थ तक अच्छी खासी बैटिंग ऑर्डर है जिस पर इंग्लैंड की टीम रिलाई करती है। बिल्कुल अमन, और फिलहाल तो देखिए अब उम्मीद है कि 1:30 बजे जब टॉस होगा तो यह स्पष्ट होगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करने वाली है, और उसके बाद दोपहर 2 बजे मैच का आगाज होना है, तो सबकी निगाहें अब दोपहर 2 बजे पर है जब मैच का आगाज हो और सभी अब जो है वर्ल्ड कप की ओपनिंग मैच को देख सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।